कोई फैसला नहीं। वाह भाई वाह, सोच रहे हैं। वाह भाई, कोई फैसला नहीं। बोला तू सब पहली जब बैठी कौन मार रहे, देखिए कौन मारना फाउल है, कौन मार रहा है, हाथ मोड़ना फाउल है। रेफरी साहब, रेफरी साहब देखिए हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया। रेफरी साहब सतर्क रहिए, हाथ इस तरह हाथ निकल जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। हमारे नेपाल का पहलवान एक ही पहलवान है लड़ने वाला, अगर इसका हाथ पे टूट जाएगा तो जीवन में भविष्य में कभी लड़ नहीं पाएगा। ये काम मत होने दीजिए रेफरी साहब, कुश्ती देख कर रहिए, वो देखो मोड़ रहा है। इस तरह की कुश्ती पहलवान, आप गलती मत करें, गलतियां मत करें वीरा पहलवान, आपको बार बार सूचित किया जाता है। नेपाल में इस तरह की कुश्ती नहीं होती। अगर बसंत पहलवान का हाथ टूट जाएगा, पहलवान सरकार का निर्देशन माने, हीरा पहलवान गर्दन की हड्डी कमजोर होती है, हड्डी टूट जाएगी, इस तरह नहीं कर सकते आप। रेफरी साहब से ओ हीरा पहलवान, गर्दन की हड्डी कमजोर होती है, कौन है ना हमारे पहलवान, इस तरह की कुश्ती माने नहीं होगी। गर्दन की हड्डी बहुत कमजोर होती है, इतनी छोटी होती है, आधा फुट का इतना सा होता है गर्दन की हड्डी। अगर गर्दन की हड्डी हिल गई तो जिंदगी भर पैरालाइज भी हो सकता है, लपंग अपंग भी हो सकता है। हेलो सही अच्छी हो, मेरा पहलवान आप, मैं मानता हूँ आप अच्छे पहलवान हो, तगड़े पहलवान हो, लेकिन मेरे लिए बात सुन लो, बदतमीजी की हद पार ना कर। अगर तू मर्द हो तो थापा के सीने पे वार कर, पेट पीछे वार मत कर।